हाय फ्रेंड्स, हाउ वाज द बजट? कल तक बजट सबको अच्छा लग रहा था, पीपल वर अप्रिशिएटिंग, मार्केट के लिए अच्छा है बजट। आज सबको अचानक बजट खराब लग रहा है एंड मार्केट इज डाउन बाय 600-700 पॉइंट्स ऑन बीएसई। व्हाट इज द रीजन? वी हैव डिस्कस्ड सिंस लास्ट फ्यू वीक्स दैट मार्केट इज ओवरबॉट, मार्केट इज ओवर वैल्यूड, आप दूर रहिए मार्केट से, प्रॉफिट बुक करते जाइए, मार्केट रिस्की जोन में है, मार्केट में यूफोरिया है, ऑल दोज पॉइंट्स वी वर डिस्कसिंग। एंड लास्ट वीक ऑन सेमकास्ट वी हैड सेड दैट भले मार्केट बजट कैसा भी हो मगर मार्केट इज रिफ्यूजिंग टू गो अप। सो वी हैड डिस्कस्ड फ्यू एग्जांपल्स, कंपनियों के अच्छे नतीजे आए थे तो भी मार्केट उन स्टॉक्स को स्टॉक्स वर नॉट गोइंग अप, इनफैक्ट द स्टॉक्स वर कमिंग डाउन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वगैरह जो काफी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आए थे तो भी स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे थे। इसका मतलब क्या? मार्केट एक संकेत दे रहा है कि नाउ इट इज रिफ्यूजिंग टू गो अप। फिर भी लोग एक होप में थे कि नहीं बजट अच्छा आएगा और मार्केट ऊपर जाएगा, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एवर हैपन्स। सो बजट टू दैट एक्सटेंट वॉज न्यूट्रल, यस इट इज गुड फॉर द कंट्री। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जो रूरल क्लास, जो लोअर स्ट्राटा ऑफ द पीपल है उनको अपलिफ्ट करने के लिए पॉलिसीज वगैरह लिए। लार्जली वी वुड से दिस इज अ पॉपुलिस्ट बजट। 5 लाख पर फैमिली अगर आप किसी को प्रोटेक्शन देते हैं टू 10 करोड़ फैमिली, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज। सो दिस इज अ गवर्नमेंट ट्रम्प कार्ड टू विन इलेक्शन एंड दैट इज नीट एंड क्लियर। मतलब इस बजट से एक क्लियर संकेत है। एनी वे, लेट्स फॉरगेट बजट, लेट अस अंडरस्टैंड वॉट इज ड्राइविंग मार्केट। मार्केट इतना नीचे क्यों है? देर आर टू क्यूज और ये काफी टाइम से फ्लैश कर रहे थे मगर किसी ने ध्यान नहीं दिए। नंबर वन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेकेंड टाइम इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट्स पे बढ़ाई है। लास्ट वीक आपने देखा होगा बल्क डिपॉजिट इज बिग डिपॉजिट और वहां पे अगर इंटरेस्ट रेट 0.4 टू अराउंड 140 बेसिस पॉइंट्स ऑन अ रेंज उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है। इसका मतलब क्या? द कॉस्ट ऑफ मनी इज गेटिंग कॉस्टलियर एंड कॉस्टलियर। मतलब अगर जब लोन और जब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ने चालू होते हैं तब सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है इक्विटी पे। और इधर इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली अमेरिकन यूएस फेड की जो मीटिंग थी उन्होंने भी ये सार निकाला कि मार्च में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और अगले मतलब इन कैलेंडर ईयर 2018 अराउंड 0.75% इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ने वाले हैं। और इंडिया में भी आपने देखा हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, अभी तक डिटेल में केपेक्स प्राइवेट सेक्टर में आई नहीं है, वहां पे बोरोइंग हुई नहीं है, फिर भी यहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुआ है। सो दिस इज एन इंडिकेशन माय फ्रेंड्स कि बुल मार्केट को पंक्चर करने के लिए सबसे बड़ा जो इंजेक्शन है वो इंटरेस्ट रेट है और इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुआ है। दैट इज द मेन रीजन व्हाई मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग टू दिस सीवियर फॉल एंड दैट्स अ बिगिनिंग। जो इतना सारा जो मार्केट बढ़ा है पिछले एक साल में 30% लास्ट ईयर एंड अराउंड 5-7% दिस ईयर, सो ऑल दिस थिंग्स नीड टू गेट करेक्टेड। और वैल्यूएशन इतने ज्यादा थे तो मतलब एक स्टॉक्स एट अराउंड 50-55 पीई मल्टीपल और आज आप देखिए जब रिजल्ट आता है तो ग्रोथ आती है स्टॉक्स में 15-20%, कई में तो ग्रोथ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सिरामिक टाइल्स, तो सिरामिक टाइल्स में इतना अच्छा वैल्यूएशन हो गया था, ऑल स्टॉक्स वर अवेलेबल, इंडस्ट्री वॉज अवेलेबल एट अराउंड 45-50 पी मल्टीपल और आज आप नतीजे देखिए, कंपनी इज जस्ट रिपोर्टिंग सेम प्रॉफिट, स्टेग्नेंसी या 2-3% की ग्रोथ है। तो ये जो हाइप था, ये जो मार्केट में बहुत बड़ा एक सेंटिमेंटल शिफ्ट आया था, ये सब करेक्ट हो रहा है। और आज सडनली देखिए मार्केट में पीसी ज्वेलर 50% इंट्राडे डाउन था और कई सारे स्टॉक्स 15-20% डाउन था। सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट मार्केट इज वल्नरेबल और जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अगर महंगा है तो कभी ना कभी वो वापस नीचे आएगा क्योंकि स्मार्ट लोग कब तक खरीदेंगे या जो सेंटिमेंट है या लिक्विडिटी है वो कब तक खरीदेगी। सो डाउन द लाइन रियलिटी आएगी। जो मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट है मार्केट में वो हमेशा एप्लीकेबल है एंड दैट इज हाउ मार्केट्स वर्क अक्रॉस द ग्लोब। तो लोग बोलते हैं कि लिक्विडिटी है मार्केट में इसलिए चल रही तेजी बाजार। हम ये कहते हैं
कि जब तक तेजी है तब तक लिक्विडिटी है, और जैसे मार्केट में मंदी आए लिक्विडिटी सब खत्म हो जाएगी। सो आप इस दौरान इस भ्रम में मत रहिए कि म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, लिक्विडिटी गायब चालू है, मार्केट में तेजी है। नहीं, करेक्शन आएगा क्योंकि मार्केट महंगा है, इसलिए आप वेट कीजिए और थोड़ा लंबा करेक्शन आएगा। एंड दैट वी हैव बीन अलर्टिंग आवर व्यूअर्स कि मार्केट महंगा है, आप दूर रहिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। शायद उस बात को एक महीना हो गया, एक डेढ़ महीना हो गया, एक डेढ़ महीने से शायद मार्केट चल ही रहा है। इनफैक्ट जो निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट इज अप बाय अराउंड 3-4%, बट आज सडनली आज पीपल आर नॉट एबल टू सेल या पीपल आर नॉट एबल टू बुक प्रॉफिट्स कि स्टॉक्स डाउन है, इतने सारे गिरे हैं। सो आवर एडवाइस इज अभी आप नया पैसा मत डालिए, वेट कीजिए थोड़ा थोड़ा और मार्केट को करेक्ट होने दीजिए, थोड़े वैल्यूएशंस रीजनेबल लेवल पे आने दीजिए। और कई कई शेयर्स में जो ज्यादा गिरे नहीं है, आपको लगे प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट आ रहा है तो आप प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म का तो अभी आपको डर है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 31 जनवरी 2018 तक का तो आपका जो गेन्स है वो टैक्स फ्री कर दिया है, वो उस पर तो लॉक लगा दिया है, उसके बाद वाला जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स लगेगा, दैट्स ओके। सो लार्जली आई थिंक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वॉज अ नॉन इवेंट, और पैसा कमा के 10% देना है फ्यूचर में वो देंगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पेइंग। सब लोग टैक्स दे रहे हैं, सैलरी वाले दे रहे हैं, बिजनेस वाले दे रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस है तो हम भी टैक्स देंगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट आई थिंक द वे मार्केट इज बिहेविंग, जो जितना सेंटिमेंट आप पीक पे देखिए, पिछले एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते सब लोग अच्छी बात कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स आर गुड, कंपनीज आर डिलीवरिंग गुड रिजल्ट्स, और ये बजट के चक्कर में तो लोग रिजल्ट को ही भूल गए। कितनी अच्छी अच्छी कंपनियों ने, फॉर एग्जांपल जैन इरिगेशन ने 28% टॉप लाइन ग्रोथ दी और 10 times प्रॉफिट बढ़ा, मगर गेस व्हाट, जैन इरिगेशन आज 30% डाउन है फ्रॉम पीक इन दिस मंथ। सो अच्छा रिजल्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी कॉर्पोरेट की अच्छी है, येस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, बट शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशन ट्रेडिंग लेते हैं, तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट सेंटिमेंट ज्यादा है, अगर मार्केट बढ़ा हुआ है तो जाहिर है कि करेक्शन आएगा, मार्केट नीचे आएगा, जो कि अभी हो रहा है। सो वी एडवाइस नया पैसा मत डालिए, थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट थोड़ा और नीचे आए तब इन्वेस्ट कीजिए। जो अगर आपकी FNO में पोजिशन तो शायद आपको काट, और आप स्टॉप लॉस रखे हैं तो आप निकल गए होंगे, अगर नहीं है तो आप प्लीज अपने रिस्क मैनेज कीजिए, क्योंकि आगे मार्केट में डीप करेक्शन आ सकता है। यस, इन अ लॉन्ग टर्म स्टिल वी आर इन बुल मार्केट, थोड़ा मार्केट को एक करेक्शन आने दीजिए, अराउंड 1000 निफ्टी जो टॉप से एक करेक्ट हो जाए तो एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा मार्केट में। बट टिल दैट टाइम आई थिंक वन शुड बी कॉशियस, वन शुड नॉट इन्वेस्ट, वेट और बी कॉशियस। आपको अगर कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई स्टॉक्स के बारे में जानना है तो आप हमें फेसबुक पे लिख दीजिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू।